25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे के तौर पर मनाती है। 24 दिसंबर की शाम से ही इस त्यौहार का जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है? ईसाई समुदाय के लोग इसे यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ ही नहीं था। शुरुआत में ईसाई समुदाय के लोग यीशु यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्यौहार के रूप में नहीं मनाते थे, लेकिन चौथी शताब्दी के आते आते उनके जन्मदिन को एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। दरअसल हुआ यूं कि यूरोप में गैर ईसाई समुदाय के लोग सूर्य के उत्तरायण के मौके पर एक बड़ा त्यौहार मनाते थे। इनमें प्रमुख था 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण होने का त्यौहार। इस तारीख से दिन के लंबा होना शुरू होने की वजह से इसे सूर्य देवता के पुनर्जन्म का दिन माना जाता था, और कहा जाता था कि इसी वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने इस दिन को यीशु के जन्मदिन के त्यौहार क्रिसमस के तौर पर चुना। क्रिसमस से पहले ईस्टर ईसाई समुदाय के लोगों का प्रमुख त्यौहार था। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिसमस को कुछ खास परंपराएं हैं जो कि बहुत ही खास बनाती हैं? उनमें से एक संता निकोलस हैं, जिनका जन्म ईसा मसीह के मृत्यु के लगभग 280 साल के बाद मायदा में हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत ही पसंद था, और यही वजह है कि वो यीशु के जन्मदिन के मौके पर रात के अंधेरे में बच्चे को गिफ्ट दिया करते थे। इस वजह से बच्चे आज भी अपने संता का इंतजार करते हैं। जबकि दूसरी अहम परंपरा क्रिसमस ट्री की है। यीशु के जन्म के मौके पर एक फर के पेड़ को सजाया गया था, जिसे बाद में क्रिसमस ट्री कहा जाने लगा। उसके अलावा एक परंपरा कार्ड देने की है। इस दिन लोग एक कार्ड के जरिए अपनों को शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें कि पहला क्रिसमस कार्ड 1842 में विलियम एंगले ने भेजा था।